आज के समय में इंडियन सिनेमा पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि जितनी वैल्यू हीरो को दी जा रही है उतनी वैल्यू विलन को भी दी जा रही है। और अभी के समय में विलन का दमदार होना मूवी के अंदर बहुत अहम हो गया है, जिस वजह से बहुत सारे एक्टर जो हीरो का रोल प्ले करते थे अब वो विलन का रोल भी प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो हाल ही में रिलीज हुई पठान और आदि पुरुष, जहाँ पठान मूवी में विलन के तौर पर हमें जॉन इब्राहिम देखने को मिले और वहीं आदि पुरुष में हमें सैफ अली खान। तो चलो बताता हूँ कुछ ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जिनके अंदर हीरो हमें विलन के रोल में नजर आएंगे। तो इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है टाइगर 3। एक मिस्ट्री क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्ट करेंगे मनीष शर्मा। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है और इस मूवी का अलग ही यूनिवर्स बन रहा है और इस यूनिवर्स की चार फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें से पहली फिल्म है एक था टाइगर, दूसरी फिल्म है टाइगर जिंदा है, तीसरी फिल्म है वॉर और चौथी फिल्म है पठान। और टाइगर 3 इस यूनिवर्स की पांचवी मूवी है और इस यूनिवर्स में अभी आगे और भी कई सारी फिल्में आएंगी। लीड एक्टर की बात करूँ तो इसमें आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ और विलन के रोल में इमरान हाशमी देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी में आपको केमियो के तौर पर शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस मूवी का जो बजट है वो 300 करोड़ है और रिलीज डेट की बात करते हो आपको 10 नवंबर 2023 को देखने को मिलेगी। दूसरी फिल्म है एनिमल। ये क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी वंगा। ये कोई और नहीं, इन्होंने ही कबीर सिंह मूवी को डायरेक्ट किया था। लीड एक्टर की बात करूँ तो इसमें आपको रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, प्रिंती चोपड़ा, अनिल कपूर और बॉबी देओल देखने को मिलेंगे। बॉबी देओल इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। बजट की बात करते हो इस मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ रखा गया है और रिलीज डेट की बात करो तो ये आपको 11 अगस्त 2023 को देखने को मिलेगी। वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। तो नेक्स्ट मूवी है जवान। जवान मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे एटली कुमार और इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और भी कई सारे एक्टर देखने को मिल जाएंगे। विलन की बात करें तो विलन का रोल विजय सेतुपति निभा रहे हैं और अगर जैसा कि इनके बारे में आप लोगों को पता है तो ये विलन और हीरो दोनों का रोल ही प्ले करते हैं। इन्होंने कई सारी फिल्मों में हीरो का और विलन का दोनों का रोल ही प्ले कर रखा है। वहीं अगर बजट की बात करें तो इस मूवी का जो बजट है वो 220 करोड़ है और अगर रिलीज डेट की बात करें तो ये आपको 7 सितंबर 2023 को देखने को मिलेगी। वैसे यार अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साइड में घंटी का आइकन दिखेगा उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। नेक्स्ट फिल्म है सिंघम अगेन, जिसे हम सिंघम 3 भी कह सकते हैं। एक पॉप एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी। इस फिल्म का भी एक अपना यूनिवर्स बन रहा है जिसको कॉप यूनिवर्स कहा जा रहा है और इस कॉप यूनिवर्स में भी चार ही फिल्में आई हैं, जिसमें से पहली फिल्म सिंघम, दूसरी है सिंघम रिटर्न, तीसरी फिल्म है सिम्बा और चौथी फिल्म है सूर्यवंशी। और सिंघम अगेन इस यूनिवर्स का पांचवी मूवी है। लीड एक्टर की बात करो तो इसमें आपको लीड रोल में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलेंगे और बताया जा रहा है केमियो के तौर पर आपको अक्षय कुमार भी देखने को मिलेंगे और जो इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो है जैकी श्रॉफ और इसका हिंट हमें सूर्यवंशी मूवी में ही देखने को मिल गया था। रिलीज डेट की बात करो तो आपको दिवाली 2024 में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो है हेराफेरी 3। हेराफेरी 3 कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट करेंगे फरहाद सामजे, जिनकी लास्ट फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान। इस मूवी के जो पिछले दो पार्ट थे उसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और इस पार्ट को फरहाद सामजे डायरेक्ट करेंगे। लीड एक्टर की बात करूँ तो लीड एक्टर की लिस्ट काफी लंबी है, यहाँ मैं एक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, आप कास्ट देख सकते हो स्क्रीन के सामने है। और वहीं अगर विलन की बात करें तो विलन का रोल संजय दत्त निभा रहे हैं। वहीं अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो बजट इसका 100 करोड़ रखा गया है और ये मूवी आपको ईद 2024 में देखने को मिलेगी, मतलब साफ है ये आपको सिंघम अगेन से पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो हो गई कुछ ऐसी फिल्में जिसके अंदर हीरो विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी एक्टर की अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानना चाहते हो तो उस एक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उस एक्टर की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बता दूंगा। बाकी बच्चे इस वीडियो को लाइक करना तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।